सुप्रभात विद्यार्थी। इसके पहले के वीडियो में आपने देखा वीर कुंवर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपने बलबूते पर आजमगढ़ पर अंग्रेजों से कब्जा कर लिया और वे जगदीशपुर चले गए। इसके अलावा वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में भी पूरी तरह कुशल थे। वे अत्यंत चतुर योद्धा थे। उन्हें छापामार युद्ध करने में भी उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णता असमर्थ थी। अंग्रेजों को चकमा दिया। अनेकों बार उन्होंने अंग्रेजों को चकमा दिया। एक बार उन्हें गंगा नदी पार करना थी और अंग्रेज सैनिक उनके पीछे लग चुके थे। तभी उन्होंने एक अफवाह फैलाई कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़कर पार करेंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह का इंतजार करने लगा। और कुंवर सिंह बलिया से 7 किलोमीटर पहले ही शिवराजपुर से नाव से गंगा नदी पार करने लगे। यह बात जब अंग्रेज सेनापति डगलस को पता चली तो वह सैन्य बल लेकर शिवराजपुर पहुंचा। बाकी सेनाएं नाव से गंगा नदी पार कर चुकी थी। अंतिम नाव में वीर कुंवर सिंह बैठे हुए नदी पार कर रहे थे। तभी अंग्रेज सेनापति डगलस ने उन्हें गोलियों पर की बौछार कर दी। एक गोली उनके कलाई को बेधती हुई घायल हो। एक गोली जो है उनकी कलाई को बेध गई। कलाई में या हाथ में बारूद का जहर न फैले, इसलिए वीर कुंवर सिंह ने अपने हाथ को अपनी तलवार से ही काटकर गंगा नदी में अर्पित कर दिया, उन्हें समर्पित कर दिया। इस प्रकार देखिए कि वीर कुंवर सिंह निडर, बहादुर और चतुर योद्धा थे। इसके अलावा वीर कुंवर सिंह योद्धा के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते थे। वे ब्रिटिश से लोहा तो लेते थे परंतु सामाजिक कार्य भी करते थे। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर सरकारी स्कूल के भवन का निर्माण किया। आरा जिले में स्कूल के लिए उन्होंने जमीन भी दान दी और जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण कराया गया। उन्होंने अपने समय में निर्धनों की सहायता की। उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, फिर भी उन्होंने गरीबों और निर्धनों की मदद की। उनके लिए जो है कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए और सड़क का निर्माण किया। आरा से जगदीशपुर और आरा से बलिया तक के उन्होंने सड़क का निर्माण भी कराया। वे अत्यंत उदार और संवेदनशील व्यक्ति थे। वे एक उदार और संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके यहां हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। अर्थात वहां किसी भी धर्म में भेदभाव वो नहीं करते थे। आज भी लोक भाषाओं में उन वीर सेनानी के यशगान गाए जाते हैं। आज भी बिहार की जो लोक गाथाएं हैं उन लोक गाथाओं में इस वीर स्वतंत्रता सेनानी के गीत या प्रशस्ति गीत गाए जाते हैं। इस प्रकार के वीर योद्धा वीर कुंवर सिंह थे। तो विद्यार्थी, इस पाठ में आपने स्वतंत्रता सेनानी
वीर कुंवर सिंह के जीवन के बारे में जाना कि वो कैसे वीर बहादुर और कुशल नेतृत्वकार और कुशल योद्धा थे और एक उदार और संवेदनशील व्यक्ति थे। इसके बाद